हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार ऑक्टेन। दोस्तों, टाटा HBX माइक्रो SUV इस समय मोस्ट अवेटेड कारों में से एक है और इसे इंडिया में कई बार स्पाइड भी किया जा चुका है, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बिना कैमोफ्लोज के स्पाई की गई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी अपडेट को मिस आउट ना कर पाएं। तो बिना समय बर्बाद किए अगर बात करें टाटा HBX के लेटेस्ट स्पाइड इमेज की, तो इन इमेज में इसके फ्रंट को लगभग पूरी तरह से देखा जा सकता है, जहां पर ये ब्लू कलर में दिखाई पड़ती है। फ्रंट में आपको ऊपर की तरफ LED DRLs देखे जा सकते हैं, जो कि टर्न इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं और सेंटर में वाइड क्रोम ग्रिल के साथ मर्ज हो जाते हैं। बाकी बम्पर को इसके कम्प्लीटली ब्लैक रखा गया है, जहां पर इसमें एयरडैम एरिया पर ट्राई एरो पैटर्न दिया हुआ है और सर्कुलर शेप में इसमें फोग लैंप भी दिए गए हैं। बाकी साइड में इसे रग्ड लुक प्रोवाइड करने के लिए ब्लैक बॉडी क्लैडिंग्स भी दी गई हैं और साइड लुक को जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और खास बनाती है वो है इसके न्यूली डिजाइंड एलॉय व्हील्स, जो कि दिखने में काफी शानदार लगते हैं। ओवरऑल इसका फ्रंट लुक टाटा हैरियर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, या फिर हम इसे मिनी हैरियर भी कह सकते हैं। इसका ये टाटा हैरियर इंस्पायर्ड फ्रंट लुक इसे कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गाड़ी माइक्रो SUV सेगमेंट में तहलका मचा देगी। आपको क्या लगता है इसके लुक्स को लेकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ब्लू कलर के अलावा ये व्हाइट कलर में भी स्पाइड की गई है, जिसमें इसके रियर की भी हल्की सी झलक दिखाई दे रही है, जहां पर इसका रियर बम्पर भी फ्रंट बम्पर की तरह ही फुली ब्लैक पैटर्न के साथ दिखाई दे रहा है और नेक्सॉन की तरह ही इसके बम्पर पर दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। अब एक्सटीरियर की तरह ही इसके इंटीरियर्स को भी कई बार स्पाइड इमेजेस में देखा जा चुका है, जिसमें इसके इंटीरियर्स सेम दिखने में ऑटो एक्सपो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल की तरह ही नजर आते हैं, जहां पर इसमें आपको इंटीरियर में फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे और कई शानदार फीचर्स दिए जाएंगे। और साथ ही अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसका नाम टाटा टेमैरियो भी रखा जाने वाला है। अब अगर इसमें ऑफर किए जाने वाले इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा, जो कि 83 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। सेफ्टी के लिहाज से भी ये टाटा की अल्फा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिस पर अल्ट्रोज ऑलरेडी ही बेस्ड है। इसी वजह से टाटा HBX के साथ हम ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि ये भी टाटा नेक्सॉन की तरह ही ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आएगी। अब लास्ट में अगर लॉन्च की बात करें तो वैसे तो इसका लॉन्च इस साल में या फिर जून में होना था, बट ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक इसे डिले कर दिया गया है और अब ये कार अक्टूबर के आसपास यानी कि फेस्टिवल सीजन के दौरान लॉन्च होगी। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट कार अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।